बॉस दद्दू से बोले वो धड़क भड़क में टॉस करके तो दिखा दे जरा। अरे खबरदार दद्दू ऐसे वैसे कुछ नहीं करते यहाँ पे। वैसे दद्दू ये पॉपकॉर्न की तरह उछलने वाला एंटीक पीस कौन है बताए? मैंने कभी आपकी वीडियोस में तो नहीं देखा, बताए बताए। ये पॉपकॉर्न नहीं, ये मेरा होने वाला दामाद है भाई। अरे दामाद जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे दूर हो जाए इससे, हमारे यहाँ दामाद की इज्जत की जाती है। माशाल्लाह क्या दामाद है। वैसे देखा नहीं है कभी उसको आपकी वीडियोस में। बस माल मंडी का क्या कर रहे हैं? अरे शर्म करो शर्म करो, दद्दू का माल मंडी लूट कर लेके जाओगे। देखो इनको, ये दद्दू की पोतियां हैं और ये इनके जहेज के जेवर हैं। दद्दू मेरी तरफ से ना आपकी बच्चियों के लिए 5,000 रुपया ये ले ये ले। बॉस मट्टी डालो, दद्दू पर छापा पड़ गया है। ये वाले जेवर तो उठा लेते खबरदार, चीज को हाथ नहीं लगाना। तो मैं चलता हूँ, एक आखिरी आखिरी सेल्फी हो जाए आपके साथ। आज सारे आज ये थैंक यू दद्दू, आई लव यू। मेरे हाथ कौन खोलेगा? पैर तो खुले चले। कॉल आ गई। हेलो, हाँ पुलिस आ गई है। अच्छा ओके, हाँ मैं आ रहा हूँ। भाई 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 मैं भी चलूं? मैं पिकनिक पे नहीं जा रहा, वहाँ डाकू होंगे, पुलिस होगी, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। फिर तो मैं भी चलता हूँ ना। फिर मैं चलता हूँ ना, तेरा कराटे नहीं काम आने वाला, घर में जाओ। सर पुलिस जा चुकी है। वो मैंने डाकू के होली भी बता दी पुलिस को। शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो हो गया, जाते हुए कुछ ले गए? हाँ, मेरी उम्र भर की इज्जत लूट कर ले गए। शुक्र करें दद्दू की वजह से हमारी जान बच गई। हाँ, और हमारा जेवर भी तो बच गया। साशा इधर आओ। अब्बा मैंने कुछ गलत नहीं किया। अपने दद्दू हैंडसम का अकाउंट खोल कर दो मुझे फौरन। वो दद्दू ने सिर्फ मजाक में बनाया था अंकल, है ना दद्दू? तुम जानते थे आदम? क्या तुम्हें भी पता था? जी सर। हाँ तुम्हें तो यकीनन पता होगा। जी अब्बा। और तुमने यकीनन इसे छुपाया हुआ होगा। वो वहाँ तुम जानती थी? इसका मतलब है कि इस पूरे घर में मैं ही था जिसे इस बात का नहीं पता था। दद्दू अकाउंट हैक हो गया और डिलीट हो गया। क्या? नहीं, नहीं। ओ जी सर, वो दद्दू का बीपी शूट हो गया था लेकिन अब जरा स्टेबल है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है आदम? नहीं नहीं सर, आप रिलैक्स रहें, ड्रिप खत्म होगा तो हम घर ले आएंगे। ओके थैंक यू, खुदा हाफिज़।